रंगपरी एकादशी के एक दिन पूर्व बाबा विश्वनाथ माता गौरा के घर उनका गवना कराने पहुंच चुके हैं। रविवार की शाम उनका स्वागत महंत आवास में ठंडई से किया गया। वहीं सोमवार को रंगभरी एकादशी के पर्व पर बाबा विश्वनाथ और गौरा सुबह से ही काशीवासियों को दर्शन दे रहे हैं। काशीवासी यहां माता और महादेव के चरणों में अबीर चढ़ाकर और अपने मस्तक पे अबीर लगाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। इस दौरान डमरू दल की नाद माहौल को भक्तिमय बना रहा है, तो माता पार्वती और महादेव के जय घोष से माहौल शिवमय हो रहा है। पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के आवास टेढ़ी नीम पर इस समय भक्तों का रेला लगा हुआ है। भक्त एक दूसरे को अबीर गुलाल से नहला रहे हैं और शिवांजलि कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। ये रंगभरी एकादशी है, आज बाबा में सप्तशती आरती पहले हो जाएगी, अब और उसी दरमियान जो आरती होगी तब तक वह पुजारी घर चल देंगे यहाँ से पालकी लेने के लिए। बाबा जो है राजशाही सवारी होकर इनकी टोपी जो है गया सुखी ने बनाई है मुसलमान, और अब की जो है नई पालकी का अवसर कश्मीर की लकड़ी से जयपुर की लड़कियों ने बहुत ही कारीगरी से और जिस तरह से इसको निर्माण करके शिवाजी परिवार को दिया है, ये बहुत दिन बाद जो है नई बनी है। ये सामान जो है टूटते रहते हैं, बाबा की सेवा में है, लकड़ी है पुराने समय की लकड़ी थी तो जीर्णोद्धार भी कही है, नवीनीकरण कही है, प्रथा वही है, परंपरा वही है, रीति रिवाज वही है। अब कब निकलेगी इसकी तो गारंटी नहीं देते। हाँ, शाम को बाबा जो है यहाँ से विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे जो है शिवलिंग के ऊपर विराजमान होके पहले उनका चांदी का शिवाला जाएगा जिसमें वो फंस जाएगा, फिर बाबा जो है सिंहासन में सवार होकर मंदिर में जाएंगे और बाबा के बीच बैठ के भक्तों के साथ होली खेलेंगे। आज से अबीर की होली इसमें प्रारंभ हो जाएगी और ये होली मतलब होली का हृदंग कहिए या काशी की मस्ती कहिए या होली का पर्व कहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है प्रहलाद ने जो है जिस तरह से वध किया था की होली, उसके बाद 15 तारीख को मसान की होली खेली जाएगी जिसके अंदर भगवान कहते हैं मैं भभूत से होली खेलता हूँ। और बाबा का अपना जो है प्रिय वस्त्र भभूत, बाबा जो है इस समय बहुत ही राजशाही पोशाक में है, अपनी भार्या माँ गौरा भी इसमें प्रथमेश गणेश जी को लिए हुए उनको लेके जाएंगे और भक्तगण डमरू की निनाद शंख ध्वनि और नाना नाटकोट का बाद जाएगा, सहनाई होगी, बाबा धूमधाम से भक्तों के साथ जाएंगे मंदिर विराजमान होंगे। वहाँ पे भी एक शिवाश्रम से चल गई है, वहाँ पे भी रात 6 से 11 बजे तक संगीत संध्या होगी। यहाँ पे जो चल रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम वो आपने देखा होगा, और सभी के कल्याण के लिए बाबा विश्वनाथ आज जो है सबका रंगों से भरा हुआ जीवन हो, कोई निराश न हो, उदास न हो, और बाबा उस तरह से सुख शांति दे। ये काशी की नगरी है, काशी विश्व को प्रकाशित करती है, विश्व अच्छा संदेश जाए, अब की होली बहुत ही अच्छी हो और जो हमारे यहाँ की त्रासदी थी वो खत्म हो, बाबा और देश उन्नति के शिखर पर जाए, सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद, जय विश्वनाथ। 2 सालों की अगर देखा जाए तो इस बार क्या कुछ नया हुआ? लेकिन नया तो हर साल होता है, जैसे साल बदलता है तो जीवन में नया साल तो होता ही है, तो नया साल में भगवान के लिए शब्द तो नहीं कि नया क्या होगा, भगवान का हर दिन नया होता है, हर दिन रोज सुबह नया होती है, तो हर दिन सुबह हर दिन नया है, भगवान जो सुना नया नहीं, सब वही प्राचीन है, अब परंपराएं वही हैं, लोक रीति वही है, सब रीति रिवाज वही है, अब परंपराओं के साथ जैसा भक्तगण है वैसे लोग का व्यवस्था होती है, पहले बहुत संकीर्ण होता था, अब का बृहद रूप हो गया चूँकि महंत आवास के हाथ में टेढ़ी नीम आ जाने के बाद बृहद रूप है और भीड़ के उल्लास बहुत है, फूल फूल की पंखड़ियाँ बरसाएंगे, महिलाएँ बाद गाएंगी, गाना गाएंगी, महिलाएँ प्रसन्न होगी, रात 12 बजे बाबा अपने पक्ष का साथ भी आ जाएंगे जहाँ उनकी गौरा निवास करती है, ये गौरा का निवास है, यहाँ कोई व्यक्ति जब भी कोई महिला किसी कष्ट में हो तो गौरा का पूजन करने आ सकती है और गौरा का पूजन मतलब दुर्गा सरस्वती पार्वती सभी का एक साथ आपको फल मिलेगा और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती है। काशी की जनता को आपके साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी की जनता को भगवान विश्वनाथ करें कि हो काशी की जनता रंगमयी होली खेले, जैसा मस्ती से खेलती थी वैसे पुरातन होली में आवे और अभद्रता न करे, शिष्टाचार के अनुसार जो हमारी संस्कृति है उसके अनुसार होली खेले, और काशीवासियों को धन्यवाद, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।
मैं पुनीत पागल, जय श्री काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। आज रंग भरी एकादशी का दिन है और बाबा का गौने का दिन है। आज हम लोग बाबा विश्वनाथ दरबार के महंत जो हैं हमारे आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव कुलपति त्रिपाठी जी, उनके घर से आज बाबा की पालकी उठेगी, माँ गौरा का गौना होगा और बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर के हम लोग रंगों की होली खेलेंगे, फूलों की होली खेलेंगे। हर साल लगभग ये 358 वहाँ वर्ष चल रहा है। ये बड़े ही हर्षोल्लास के संग हम लोग ये गुलाब की होली, फूलों की होली खेल रहे हैं और इसके बाद हम सभी यहाँ से बाबा की पालकी लेकर के निकलेंगे बाबा विश्वनाथ के दरबार के लिए। कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही साथ ये बताइए कि ये कार्यक्रम किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये कार्यक्रम 398 वर्ष से चल रहा है अब से कुछ ही क्षणों में और प्रस्थान करेंगे। ये कार्यक्रम उसके पहले महंत काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत आदरणीय डॉक्टर कुलपति त्रिपाठी जी के माध्यम से उनके परिवार के द्वारा हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। 358वां वर्ष हम सभी मना रहे हैं और हर साल बाबा का इसी तरह मनाते रहे, बाबा से यही कामना है। अच्छा, दो सालों में जो कोरोना इसी महामारी थी उसके बाद से ये मनाया जा रहा है तो क्या लगता है कुछ अलग तरीके से मनाया जाएगा? आज की भीड़ को देख के लग रहा है कि दो साल की भीड़ इकट्ठे आ रही है यहाँ पे। यहाँ लगभग कम से कम अभी तो शुरुआत है, अभी 40-50 हजार लोग करीब हैं और हमें उम्मीद है जब तक पालकी उठेगी 4 बजे तक, तब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ जुट जाएगी। आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने तरफ से यही संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना काल है रहा और सभी ने बड़ा कष्ट उठाया है, बाबा विश्वनाथ सभी के ऊपर कृपा बरसाएं, महंत जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर यूं ही बना रहे, सभी को पर बाबा विश्वनाथ की कृपा बनी रहे। जय श्री काशी विश्वनाथ, नमः पार्वती। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।